हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मूवी ट्रिपल फ्रंटियर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम हेलीकॉप्टर में पॉप को बैठे देखते हैं। पॉप के साथ यहाँ पर उसकी पूरी टीम थी और वो कोलंबिया में था। वो कोलंबिया की आर्मी के लिए एक प्राइवेट एडवाइजर के तौर पर काम करता है और यहाँ पर वो लोग एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आए थे। फिर उनका हेलीकॉप्टर एक घर के पास लैंड करता है और वो लोग उसके सामने पहुंचकर हर तरफ से उस घर को कवर कर लेते हैं। अब वो वहां जाकर अनाउंस करते हैं कि सभी क्रिमिनल्स बाहर आ जाएं, लेकिन वो सारे के सारे क्रिमिनल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए सारे लोग अपने अपने हथियारों को तैयार कर लेते हैं और अंदर से वो लोग एक ग्रेनेड छोड़ते हैं और इनकी एक गाड़ी को ब्लास्ट कर देते हैं। और देखते ही देखते वहां युद्ध शुरू हो जाता है। चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। फिर इन सारी चीजों को नोटिस करते हुए पॉप समझ जाता है कि वो लोग इतनी आसानी से उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए अपनी टीम से कहता है कि तुम लोग ऐसे ही फायरिंग करते रहो और मुझे कवर दो, मैं ऊपर से जाकर उन पर हमला करता हूं। फिर वो ऊपर जाता है और सभी क्रिमिनल्स के ऊपर हमला करने लगता है। फिर वो लोग वहां पर ब्लास्ट कर देते हैं और लगभग सारे के सारे आतंकवादी मारे जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर सिर्फ लाशें हैं और उन सारे क्रिमिनल्स के पास बहुत सारा कैश था और उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े हथियार भी थे, इसलिए वो सब अंदर और तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें यहाँ पर एक घायल आदमी मिलता है। तब वो उससे पूछताछ करने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये सारे लोग लोरिया के लिए काम करते हैं और ये सारी पॉप की टीम लोरिया का ही पता लगाना चाहती है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। इसलिए अब वो लोग उस आदमी को टॉर्चर करने लगते हैं और उससे उसके मालिक का पता पूछने लगते हैं। तब वो आदमी उन्हें पता बताता है, लेकिन ये पता भी आधा अधूरा था, लेकिन फिर भी उनके हाथ में कुछ सबूत लग गए थे और वो सब क्रिमिनल्स को मारकर वहां पर बंदी सभी लोगों को बाहर ले आते हैं। और उन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम था योवाना। फिर वो जैसे ही बाहर आते हैं, योवाना वहां से भागने लगती है और सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं। तब पॉप उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम लोग बाइक से आगे आओ, तब तक मैं उसका पीछा करता हूं। और अब पॉप उसके पीछे भागने लगता है। वो लड़की भागती जाती है और पॉप उसका पीछा करते रहता है, लेकिन लड़की सबको चकमा देकर वहां से निकल जाती है। इसलिए अब पॉप अपनी पूरी टीम को वापस भेज देता है और फिर सब घरों की तलाशी लेने लगते हैं। फिर वो एक घर में पहुंचता है जो घर युवाना का था, और युवाना पॉप की खास है, इसलिए पॉप उसे डांटते हुए कहता है कि मैंने मना किया था तुम्हें उस जगह जाने से और पहले ही तुम्हें सब बता दिया था, फिर भी तुम वहां क्यों आई। तो युवाना कहती है कि मेरा भाई वहीं पर था, इसलिए मैं उसे लेने के लिए गई थी, लेकिन तब तक टीम वहां आ गई और अब मेरा भाई तुम्हारे कब्जे में है और मैं चाहती हूं कि तुम लोग उसे छोड़ दो। तब पॉप कहता है कि आसान नहीं होगा, जिस पर युवाना कहती है कि मुझे पता है कि लोरिया कहाँ है। और इस बात को सुनने के बाद पॉप चौंक जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें ये कब से पता था, जिस पर वो बताती है कि भी हाल ही में मेरा प्रमोशन हुआ है, इसलिए मैं अब पैसे वाली वैन को लेकर उसके घर पर जाती हूँ और अगर तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगी। फिर पॉप उससे एक डील करता है और कहता है कि तुम्हारे भाई को मैं भी छोड़ूंगा जब तुम लोरिया के पूरे घर की वीडियो बनाकर लाओगी, जिस पर युवाना उसकी बात मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम विलियम्स आयरन हेड को देखते हैं, जो पहले मिलिट्री में ही काम करता था और अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और वहां के सिपाहियों को मोटिवेट करता है। उससे मिलने के लिए वहां पॉप आता है और वो उसे अपना प्लान बताता है, जिस पर आयरन हेड कहता है कि अगर वो रेड फ्लाई को मना लेगा तो आयरन हेड भी उसके साथ काम करने के लिए मान जाएगा। और फिर हम रेड फ्लाई को देखते हैं, वो भी पहले आर्मी में हुआ करता था, लेकिन अब वो यहाँ घर बेच रहा था क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका था और उसकी एक बेटी और वाइफ भी थी जो उसको पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अपने ही घर के गैराज में रहता है और उसके साथ साथ उनका खर्च भी उठाता था। फिर यहाँ आकर पॉप उसे अपना प्लान बताता है कि वो कोलंबिया की एक एजेंसी के साथ काम कर रहा है जो कि उन्हें लोरिया और उसके पैसे की इन्फॉर्मेशन के लिए 17,000 ग्रैंड्स देंगे, लेकिन रेड फ्लाई इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका था। लेकिन फिर भी पॉप अपने प्लान की फाइल देखकर वहां से निकल जाता है। फिर उसके बाद पॉप बेन मिलर से जाकर मिलता है और मिलर आयरन हेड का छोटा भाई है और यहाँ आयरन हेड भी मौजूद था और इनके अलावा एक और आदमी था जिसका नाम है फ्रांसिस्को, जिसे सभी लोग कैटफिश कहते हैं और वो एक बहुत ही बढ़िया पायलट है। इसलिए पॉप उन्हें समझाने लगता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस मिशन में मेरा साथ दो। तो कैटफिश कहता है कि मेरा लाइसेंस रद्द हो गया है, मैं ड्रग्स केस में फंस गया था, इसलिए मेरे ऊपर केस भी चल रहा है।
तब ये सुनने के बाद पॉप कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए प्लेन उड़ाओ। इसलिए वो सारे वहां से निकल जाते हैं और जल्दी ही बॉक्सिंग क्लब में फाइट होने वाली होती है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले वहां रेड फ्लाई भी आ जाता है और इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बेन मिलर फाइट करने जाता है, लेकिन सामने वाला फाइटर उसे एक ही मुक्के में गिरा देता है और फिर वो सारे लोग वहां से चले जाते हैं और जल्दी ही ब्राजील के जंगलों में पहुंच जाते हैं। जंगल के बीच में पहुंचकर वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और वहां से आगे घर को ढूंढते हैं और यहां उन्हें पता लगता है कि यही घर लौरिया का है। तभी वो लोग अंदर एक गाड़ी को जाते देखते हैं और इस गाड़ी में योवाना थी। फिर गाड़ी अंदर जाती है जिसमें पूरी गाड़ी में सिर्फ पैसे भरे थे, जिसे लौरिया के लोग अब गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे। और योवाना घर के अंदर जाकर पूरे घर का वीडियो बनाने लगती है। तभी लौरिया सामने आता है और रजिस्टर में एंट्री करता है और योवाना इसकी भी वीडियो बना लेती है और सब लोग यहां से निकल जाते हैं। फिर वो रात में एक जगह बैठते हैं जहां रेड फ्लाई सबसे कहता है कि हमें अपना प्लान बनाना होगा। तब पॉप कहता है कि हमें डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बताना है और मैंने अब तक कुछ बताया भी नहीं है। तब इस बात को सुनने के बाद आयरन हेड उससे कहता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो और अब तक ये सारी प्लानिंग तुम खुद कर रहे थे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तब पॉप कहता है कि ये सही है, हम इतने सालों से गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, अब भी हम परेशानी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। हम सब बहुत काबिल हैं, हमें पैसे की जरूरत है क्योंकि बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं हैं और अपनी जिंदगी को जानवरों की तरह बिता रहे हैं। अगर तुम्हें यह काम नहीं करना तो तुम लोग यहां से इसी टाइम जा सकते हो। और फिर वो सारे मान जाते हैं। इसलिए फिर वो सभी मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि लौरिया हमेशा गार्ड से घिरा हुआ रहता है और वो हमेशा घर के अंदर ही रहता है, लेकिन संडे को उसकी पूरी फैमिली चर्च जाती है। तब सारे गार्ड्स बाहर होते हैं और गिनती के कुछ गार्ड्स अंदर होते हैं और यही सही टाइम होगा घर के अंदर घुसने का, सारे पैसे लूटने का और उसके साथ साथ हम लौरिया को भी मार देंगे और पूरे घर को आग लगाकर वहां से निकल जाएंगे और ये करने के लिए हमारे पास सिर्फ 40 मिनट का ही टाइम होगा। तो सब इस प्लान के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन रेड फ्लाई कहता है कि पैसों को ले जाने के लिए हमें एक वैन की जरूरत पड़ेगी। तब पॉप कहता है कि वैन अंदर चली जाएगी, जिस लड़की ने मुझे खबर दी थी वही वैन को लेकर अंदर आएगी। और फिर पॉप जाकर युवानों को भी राजी कर लेता है और संडे के दिन उसे वैन लेकर लौरिया के घर बुलाता है। पॉप अब सबको लेकर एक कंटेनर के पास जाता है, यहाँ सिर्फ हथियार थे और वो सबको बताता है कि ये सारे हथियार यहीं के बने हुए हैं, इसलिए बाद में अगर किसी को हमारा हथियार मिला तो उसे लगेगा कि उन्हीं के लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा और जल्द ही यहाँ चौपर भी आ जाएगा। फिर वो सबको उस घर की वीडियो दिखाता है जिसे युवाना ने रिकॉर्ड किया था और यहाँ पर वो टेबल पर बहुत सारा पैसा देखते हैं और उन्हें लगता है कि उनका पैसा है जो वो लूटने वाले हैं। इसलिए वो सब तैयार होते हैं और संडे का दिन आ जाता है। तो उस दिन लौरिया की पूरी फैमिली चर्च के लिए निकल जाती है और सारे गार्ड्स भी, और अब घर में सिर्फ लौरिया है और उसके 3 गार्ड्स। तभी यहाँ पर योवाना आ जाती है वैन को लेकर और वैन के पीछे कार थी, तो गार्ड उसे रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर योवाना कहती है कि मैं यहाँ वैन रखने आई हूँ, मैं वैन रखकर कार से यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर गार्ड उसे अंदर आने देता है, लेकिन वो जैसे ही वैन को अंदर लगाती है पॉप की टीम यहाँ पर आ जाती है और एक एक करके सारे गार्ड्स को बेहोश करने लगती है, लेकिन किसी को मारते नहीं। फिर वो अंदर जाकर पैसा ढूंढने लगते हैं, लेकिन जिस टेबल पर पैसा था उस टेबल पर अब कुछ नहीं है। इसलिए सब गुस्सा होने लगते हैं, जिस पर रेड फ्लाई कहता है कि उस लड़की ने हमें धोखा दिया है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं है। लेकिन पॉप को इस पर विश्वास नहीं होता। फिर उन्हें वहां से पेंट की स्मेल आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर अभी फिलहाल ही दीवार पर पेंट हुआ है, यानी कि पैसे उसी के अंदर हैं। फिर पॉप वहां की दीवार खटखटाता है, उसे पता चल जाता है कि यहाँ पैसे हैं, इसलिए अब वो दीवार को तोड़ने लगती है जहां से उन्हें इतना सारा पैसा मिलता है जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। फिर वो सारे पैसों को बैग में भरकर वैन में रखने लगते हैं और जब उनके बैग्स खत्म हो जाते हैं तो वो लालच में घर में रखे लगेज खाली कर उसमें भी पैसा भरते हैं। फिर सब लौरिया को ढूंढते हुए ऊपर जाते हैं, जहां लौरिया छुपकर आयरन हेड पर गोली चलाता है, लेकिन पॉप उसे गोली से छलनी कर देता है। तब तक टाइम पूरा हो गया था और गार्ड्स वहां आ जाते हैं। तब पॉप कहता है कि हमें पीछे के रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन रेड फ्लाई नहीं मानता। वो कहता है कि उससे बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम सामने से ही जाएंगे और सभी गार्ड्स को मार देंगे। इसलिए वो सब आगे से बाहर जाने लगते हैं और जितने भी लोग उनके सामने आते हैं वो एक एक कर सबको मारने लगते हैं। फिर वो घर में आग लगाकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वो दुखी थे कि उन्होंने इतने लोगों को मार दिया। फिर वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका चॉपर लेकर एक आदमी पहले से इंतजार कर रहा था। वो उस आदमी को उसके पैसे देते हैं और अपने सारे पैसे चॉपर में लोड करने लगते हैं। तब कैटफिश कहता है कि इन पैसों का वजन बहुत ज्यादा है और शायद इतने पैसों को लेकर हम ना जा सकें।
तब रेड फ्लाई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम सारे पैसे लेकर जाएंगे। तब कैटफिश कहता है कि हम ले जा सकते हैं, लेकिन 20,000 फीट से ज्यादा ऊपर हम चॉपर को नहीं उड़ा सकते। फिर भी वो सब पूरा पैसा लेकर ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। और तब तक योवाना और उसका भाई भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रेड फ्लाई कहता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत वजन है, हम और इनका वजन नहीं बढ़ा सकते। और अब रेड फ्लाई के मन में लालच आ चुका था, इसलिए वो योवाना और उसके भाई को मारना चाहता है, लेकिन पॉप उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फिर वो सब चॉपर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और सरहद पार कराकर योवाना और उसके भाई को उनके $3 मिलियन और ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट और वीजा देखकर दोनों को वहां से रवाना कर देते हैं। फिर चॉपर आगे बढ़ता है जहां उन्हें दो बड़े बड़े पर्वत मिलते हैं, और ये देखकर कैटफिश परेशान होने लगता है, इसलिए वो सबसे कहता है कि कुछ पैसों को हमें नीचे गिराना पड़ेगा। लेकिन रेड फ्लाई इसके लिए तैयार नहीं होता, और फिर भी वो सब थोड़ा थोड़ा पैसा नीचे गिराने लगते हैं। और अब उनका चॉपर हिलने लगता है, जिसके बाद वो और पैसा गिराने लगते हैं, लेकिन चॉपर क्रैश हो जाता है और एक गाँव में जाकर गिर जाता है, जहाँ वो सब बच जाते हैं। और बाहर आकर देखते हैं तो गाँव वाले उनका पैसा लूट रहे थे, जिस पर पॉप उनसे कहता है कि ये पैसा गवर्नमेंट का है और हमें वहां तक पहुंचाना है। लेकिन गांव वाले उनकी बात नहीं मानते, इसलिए रेड फ्लाई गुस्से में 3 गांव वालों को मार देता है। और ये सब देखकर उनमें से एक का बेटा बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर रेड फ्लाई जाकर गांव के मुखिया से मिलता है और उन्हें कुछ पैसे देकर कुछ खच्चर उनसे खरीद लेता है। और अब वो सब उन खच्चरों पर पैसा बांधकर वहां से समुद्र की तरफ निकलने लगते हैं, क्योंकि वहां पर एक जहाज उनका इंतजार कर रहा है। और फिर वो ऐसी बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग पर्वतों पर पहुंचते हैं, एक खच्चर नीचे गिर जाता है बहुत सारे पैसों के साथ, और रास्ता और भी खराब होने लगता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि खच्चरों से वो पैसे नहीं ले जा सकते, इसलिए वो पैसों को रस्सी से नीचे उतारने लगते हैं। और अब रात हो चुकी थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ठंड से बचने के लिए एक बोरी पैसे जलाकर आग सेकते हैं। लेकिन सुबह होते ही उन पर हमला होने लगता है, तब वो सारे उनका सामना करते हैं। और तभी एक लड़का गोली चलाकर रेड फ्लाई को मार देता है, और फिर पोप उस लड़के को भी मार देता है। और फिर मिलर और आयरन हेड आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि आयरन हेड को लग रहा था कि आग जलाने की वजह से वो लड़के यहाँ आ गए, जिस पर पॉप उन्हें समझाते हुए कहता है कि वो वही लड़का था जिसके पिता को रेड फ्लाई ने मारा था, इसलिए वो यहाँ पर सिर्फ रेड फ्लाई को ही मारने आया था। लेकिन अब हमें सारे पैसे और रेड फ्लाई को यहाँ से लेकर जाना होगा, इसलिए अब वो आगे बढ़ने लगते हैं और कई दिनों का सफर पूरा करते हैं। और फिर वो जहाज को ढूंढने के लिए मिलर को वहाँ भेजते हैं, जहाँ फिर मिलर एक दिन के बाद वापस आता है और बताता है कि वो जहाज अभी भी वहीं पर है और मैंने उसे एक दिन के लिए रुकने को कहा है। लेकिन मिलर यहाँ उन्हें यह भी बताता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पीछे लगे हैं, इसलिए हम इतने सारे बैग्स को लेकर नहीं जा पाएंगे, जिस पर वो डिसाइड करते हैं कि वो ज़्यादातर बैग्स को नीचे फेंक देंगे और सिर्फ एक एक बैग को लेकर जाएंगे, और उसके साथ ही रेड फ्लाई की लाश को भी। और फिर वो एक खाई में बैग्स को फेंक देते हैं। इसके बाद पॉप कहता है कि यहाँ जल्दी ही बर्फ गिरेगी और किसी को पता नहीं लगेगा यहाँ बैग्स है, इसलिए फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे उन पर एक बच्चा बंदूक तान देता है, लेकिन पॉप अब किसी को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो उस बच्चे को बांध देता है और उसे कुछ पैसे देता है, और उसकी गाड़ी लेकर वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उनका पीछा करने लगते हैं और ये ऐसे ही भागते हुए अलग हो जाते हैं। फिर मिलर जाकर एक छोटी सी नाव लेकर आता है, जिसके बाद वो चारों नाव में बैठकर बड़े जहाज के पास पहुंच जाते हैं और जहाज में बैठकर अपने देश पहुंच जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर बहुत सारे पैसों को बाहर निकालते हैं और एक लॉयर को बुलाते हैं। यहां काउंट करने पर अब उनके पास होते हैं सिर्फ 53 लाख रुपए और सबके हिस्से में बहुत कम डॉलर आ रहे होते हैं, जिस पर वो लॉयर कहती है कि मैं इन सभी पैसों को बंद कर दूंगी और हर महीने तुम लोगों को थोड़े थोड़े पैसे मिलते रहेंगे। तब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए और कहते हैं कि सारा पैसा रेड फ्लाई की फैमिली के पास जाना चाहिए, और इस सब पर राजी हो जाते हैं और सब वहां से दुखी होकर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर जब आयरन हेड पॉप से मिलता है तो उसे एक चिट देता है जिसके अंदर एक लोकेशन लिखी होती है, और ये उसी जगह की लोकेशन थी जहां पर उन्होंने अपने सारे बैग्स दबा दिए थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।